वेल फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू सक्सेस मंत्र बाय जे बी मलिक. टुडे आई एम गोइंग टू गिव ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. पीएन रिक्रूटमेंट नई भर्ती 2022, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि पीएनबी जो हर साल की तरह है, इस वर्ष भी 2022 की पीएन की भर्तियां निकली हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा और क्या उसका फॉर्म है, ये सब इसमें बताया जाएगा. तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके. तो देखिए, पीएनबी पीएम पीएम रिक्रूटमेंट न्यू भर्ती, इसमें क्या है कि क्वालिफिकेशन 12th पास इसमें होनी चाहिए. तो ये इसमें क्या है, मेरिट बेस पे है ना, सिलेक्शन है ना, इसमें एग्जाम है ना कोई इंटरव्यू है, ओनली मेरिट बेस. तो वो अगले वीडियो में बताएंगे कि मेरिट कैसे बनाई जाती है. तो इसमें एक बार इसको समझिए, क्वालिफिकेशन 12th पास, एज मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 24 इयर्स एज ऑन 1st जनवरी 2022. इस तारीख को मिनिमम 18 और मैक्सिमम 24 होनी चाहिए. इसमें एज में कुछ रिलैक्सेशन है. तो एससी एसटी के केस में 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी 3 इयर्स और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है. ये वो सेक्शन है जिसमें की इनकम 8 लाख से कम है और जो प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया है उसके लिए अलग वीडियो बनाया है. तो ये ओनली मेरिट बेस पे है, ये सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगा और इसमें कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं. और पे स्केल 14,500 to 28,145 तक स्केल जाता है. तकरीबन 25,000 और 26,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी इसकी बनती है. तो आइए, बहुत ही एक सुनहरा मौका है. जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं, जो अपना जॉब सिक्योर करके चलना चाहते हैं, तो वो पीएन रिक्रूटमेंट होने में मेरा मानना है कोई हर्ज नहीं है. तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, क्या इसमें कैसे भरा जाएगा. तो ये है स्पेस कोड पासपोर्ट साइज फोटो. यहाँ पर एक फोटो चिपकाया जाएगा, एक साथ में वैसे लगाया जाएगा, इसीलिए लिखा है फोटो 1+1. ये एप्लीकेशन फॉर्म है. यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, जैसे राम लाल वर्मा है तो राम लाल वर्मा अलग अलग आएगा. इसी तरह फादर्स नेम है, हस्बैंड्स नेम, इन केस डेट ऑफ बर्थ यहाँ जाएगा. एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, इसमें 10th और 12th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिएगी और उनकी कॉपियां लगेंगी, क्योंकि उसी के बेस पे परसेंटेज निकाली जाएगी और मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा. कैटेगरी क्या है आपकी, कैटेगरी जनरल है, एसटी एससी ईएसएम, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो ये जो भी है वो यहां भरेंगे. हाँ, इसमें देखिए, मैंने यहां बताया कि एज में रिलैक्सेशन है, एससी एसटी 29th ईयर्स तक, एज ऑन इस डेट से 29 इयर्स इस डेट को अगर हो जाती है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे. तो 29 इस तक होनी चाहिए. और ओबीसी को 3 इयर्स है, ईडब्ल्यूएस को कोई एज कंसेशन नहीं है, एक्स सर्विसमैन को भी अगर वो खुद है, स्वयं सेल्फ है, तो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को नहीं है. तो ये सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी जिस भी कैटेगरी में ऑफ कैंडिडेट फॉल करता है वो उसका सर्टिफिकेट लगेगा. नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड नंबर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. अगर ये अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके, एक दिन का काम है, इसको करा सकते हैं और उसका नंबर और उसकी एक कॉपी निकाल लेंगे. और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्कल वाइज वैकेंसी होती है तो ये उनको प्रायोरिटी दी जाती है. तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी. और
आईडी प्रूफ, आधार नंबर, पैन, वोटिंग कार्ड एक्सेट्रा, तो ये आपका आईडी प्रूफ हो जाएगा। कोरस्पोंडेंस एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस विद मोबाइल नंबर, ये यहां पर आ जाएगा। कोर्ट केस पेंडिंग इफ एनी, अगर कोर्ट केस कोई पेंडिंग है तो यहां पर भरा जाएगा, और उसकी क्या उसका सिचुएशन है एज ऑन डेट। नोट देखिए, नोट में क्या है, इसमें फोटोकॉपीज ऑफ ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ ओरिजिनल नहीं भेजना है, फोटोकॉपियां भेजनी है, क्योंकि उसके बाद आपको एक लेटर आएगा और उस लेटर में वो सबको नहीं आएगा, तो वो अपना वो सिलेक्ट करते हैं कि जो ऊपर के मेरिट के केसेस हैं उनसे कुछ ज्यादा लेकर के वो लेटर इशू करेंगे, तो उस लेटर में आपके खाली डॉक्यूमेंट चेक होने हैं, और डॉक्यूमेंट के नाम और डेट ऑफ बर्थ में कोई फर्क किसी हालत में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ प्लेस डेट और यहाँ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ये एक छोटा सा फॉर्म है, इसको आप पेन से भी भर सकते हैं या इसको टाइप भी करा सकते हैं, और ऊपर लिख देंगे, लिफाफे के ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर पीएन, पीएनबी पीएन रिक्रूटमेंट 2022, तो ये लिख करके आप बाई हैंड इसको दे के आना है। अभी देखिए, ये सर्कल वाइज वैकेंसीज हैं, अभी सिर्फ हिमाचल हमीरपुर सर्कल में वैकेंसीज निकली हैं, ये धीरे धीरे जनवरी से मार्च तक ये प्रोसेस रिक्रूटमेंट का चलता है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये एक सावधानी रखनी है कि उनके सर्कल में कब वैकेंसी आई है, ये आपको पता करते रहना है। मेरे को भी जितना टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को इसके बारे में अवगत कराऊंगा। अभी हिमाचल प्रदेश हमीरपुर सर्कल में ये वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में देखिए जनरल की 7 है, एससी की 4 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 2, तो ये टोटल 17 है। और डिस्ट्रिक्ट उन्ना ये भी हिमाचल में है, 11 पोस्ट है, जनरल की 5, एससी की 3, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस 1, तो ये इस तरह है। और इसका देखिए स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, 15 जनवरी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन सबमिशन का, और 10 फरवरी लास्ट डेट है, ये ऑनलाइन नहीं होनी है, ऑफलाइन इसका ये एप्लीकेशन सबमिट होनी है। तो ये सब इसका था, तो ये एक सुनहरा अवसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आप किसी भी स्टेट में अगर सर्विस करेंगे अपॉइंटमेंट मिलेगी तो भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छी गवर्नमेंट है जिसका पे स्केल ये है, और स्टार्टिंग इसकी 25,000 और 26,000 के बीच में पड़ती है। जो लोग इसके इच्छुक हैं तो वो इस इंफॉर्मेशन को अपने जितने भी रिलेटिव हैं, नॉन पर्सन हैं या स्वयं हैं, वो इसमें अप्लाई करिए और इसका फायदा उठाइए। तो विश यू ए हैप्पी डे, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।